जब त्रिभुज का कोण दिया गया हो। इस कंडीशन में कोणाधर की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला है, देखिए जैसे आपको एक ट्रायंगल है कि एबीसी है, ये क्या है एडी एंगल बाइसेक्टर है, क्या है एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक, एडी क्या है कोण समद्विभाजक। अब इसकी लंबाई ज्ञात करना है, नहीं पता तो आप एक्स भी मान सकते हैं, कुछ मान लीजिए नहीं पता है तो ओके। और ये ए है, ये बी है, ये कितना है डिग्री दिया रहेगा आपका, जैसे यहाँ पे दिया है। इस कंडीशन में एडी बराबर क्या, ओके इसका एडी निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए कहेंगे आप एडी यानी एक्स, एक्स बराबर जिस भुजा को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा उसका गुणनफल का दुगुना, दो गुणे ए बी बटे उसका योगफल इंटू कॉस जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है उसका आधा, तो एंगल ए बाई, यही कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका सेकंडों में सामने जाएगा, ठीक। देखिए जैसे क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, क्वेश्चन एक ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है मान लेता हूँ, चलिए थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ इसे, यही है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। अब देख रहे हैं आप, मान लेता हूँ कि ये 6 सेंटीमीटर का है या 18 सेंटीमीटर का है, तो ये क्या है ए डी है, क्या है ए डी है, ए डी है कौन सा समझ। अब यहाँ पर आपको ए डी निकालना है, क्या निकालना है ए डी निकालना है, लेकिन यहाँ पर एंगल दिया है कि एंगल ए, एंगल ए 120 डिग्री का है, कुछ भी दे सकता है कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए 120 का दिया है। और यहाँ पर दिया है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ए डी निकालना है तो फॉर्मूला यही है, कहेंगे तब तब भैया आप ए डी बराबर करेंगे, ए डी एन एक्स है ना, अगर एक्स मान लेंगे तो दो गुणे ए गुणे बी, ए गुणे बी एक स्थान क्या है, ये ए है, ये क्या है बी हो गया। अब लिखेंगे दो गुणे 6 गुणे 18 बटे बटे उन दोनों का योगफल, यानी 6 प्लस 18 इंटू इंटू कॉस कॉस। अब बताइए एंगल ए बाई टू, एंगल यानी 120 डिग्री का है तो उसका आधा कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर रखेंगे, देखिए गुणा कर दीजिए, गुणा करना आता होगा आपको, नहीं तो 2 गुणे 6 गुणे 18 जब भाग करना होता है तो आप गुणा मत करो, तब कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 18 में 6 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, अभी गुणा कर देते फिर काटने पीटने पड़ता, तो हम गुणा नहीं करेंगे इस कंडीशन में। अब बताइए यह आया कॉस कितना, कॉस 120 का आधा करेंगे कितना आएगा 60 डिग्री। अब यहाँ देखिए काटिए, 6 के 6 6 4 के 24, 4 के 4 4 4 के 4 हो गया ना, तो आप करेंगे यहाँ से 4 3 कटेगा, पीछे कर दी 2 से 2 बार जाएगा 9 बार जाएगा, 2 1 के 2 और 2 1 के 2 आया कितना 9 गुणे 9 गुणे। अब कॉस 60 मान होता है 1/2, तो आपका आंसर आ गया, आपका आंसर क्या आया कि 9/2 सेंटीमीटर दिख रहा है ना, 9/2 सेंटीमीटर ये हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर। अरे भैया 6 के 6 6 4 के 24 चार बार गया, 4 को 1 बार 2 काट दिए 2 बार गया, 18 बार 9 बार गया, 2 को 2 काट दिए, यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर चले 9 और कॉस 60 मान होता है 1/2, कॉस 60 मान 1/2 होता है ट्रिग्नोमेट्री में बताए हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए 9 गुणे 1/2 = 9/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप ये 9/2 को आप साफ करना चाहते हैं, 2 4 8 5 इतना ले सकते हैं, 4.5 सेंटीमीटर कर सकते हैं कि नहीं, तो इसे आप नोट करिए। अभी आपको बताना है आगे एक थ्योरम है इससे संबंधित, उसको बता दूंगा, पहले आप इसे नोट करिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ना, ठीक। तो नोट करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।